हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे निष्ठा होम किचन में स्वागत है। आज मैं आपको कच्ची कैरी से खटाई कैसे बनाते हैं ये तरीका आपको बताएंगे। ये नानी की बनी हाथों की खटाई है, ये जल्दी खराब नहीं होती और इसको हम सालों साल रख कर खा सकते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और यदि आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मेरे इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। ये सूखी हुई आम की कली है और इसको हमने कैसे बनाया है, इसको कच्ची कैरी को लेकर इसको छील कर और कली कली अलग काट के और इसको फैला के अच्छे से सुखा लेंगे धूप में। और इसको जब तक इसमें नमी रहती है इसको डेली डाल के धूप में सुखा लेंगे, ये जब तक अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और ये देखिए अच्छे से सूख चुकी है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं और ये हम बताते हैं। इसको सबसे पहले हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसको हम धुल लेंगे। ये यहाँ पर नानी ने कच्ची कैरी को एक बर्तन में डालकर और इसको अच्छे से साफ कर रही है। इसको कम से कम दो पानी तक अच्छे से धुल लेंगे और धुलने के बाद ये खटाई को अलग अलग निकाल के एक बर्तन में साफ करके रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर खटाई को अच्छे से धुल लिया और धुलने के बाद एक बर्तन में निकाल के इसको अच्छे से रख रहे हैं। और फिर इसके बाद ये खटाई को हम भिगो के कम से कम 12 घंटे के लिए गुनगुने पानी में रख देंगे। फिर इसके अंदर गुनगुने पानी की छींटे मार दें, ये इसमें नमी होनी चाहिए। और ये 12 घंटे के लिए रखेंगे। ये खटाई को भीगते हुए लगभग 12 घंटे हो गए हैं और गुनगुने पानी में। और देखिए अब इसको हम सबसे पहले कूटेंगे। देखिए ये इस तरह हम इसको कूट लेंगे। इसमें डालने के लिए क्या क्या मसाला यूज किया है ये हम आपको बता रहे हैं। और इसमें ये सूखी भुनी हुई धनिया लिया हुआ है और इस धनिया को अच्छे से पीस लिया है। और इसमें ये कच्चा लहसुन है, इसको अच्छे से भून लिया है। और भूनने के बाद इसको हम पीस लेंगे और पीसने के बाद इसको इसी में मिक्स कर लेंगे। और इसमें सूखा लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है और ये लाल मिर्च पाउडर है। और नमक लिया है सॉल्ट, इसको भी हम स्वाद के अनुसार ले लेंगे। और इसको सारी चीज़ों को अच्छे से हम एक ही में मिक्स करके और इसमें मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पर खटाई में सारे मसाले हम मिला देंगे और फिर इस मसाले को देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से मिला रहे हैं। और मिलाने के बाद इसको हम कि किसी चीज की सहायता से अच्छे से कूट के मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर नानी जी अपने हाथों से इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर रही हैं और इसमें हल्का गुनगुना पानी डालकर और इसको अच्छे से सारे मसालों को एक ही में मिक्स कर लेंगी। और इसको तब तक मिक्स करेंगी जब तक ये मसाले अच्छे से सारी खटाई में मिल ना जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी। फिर इसके बाद इसको किसी चीज की सहायता से इसको कूटेंगी तो कि इसमें सारे मसाले मिल जाएं और कली ये बिल्कुल बारीक हो जाए। और देखिए कितने अच्छे से इसको मिक्स कर रही हैं। ये बिल्कुल गांव स्टाइल में एक खटाई बनी हुई है और इसको देखिए पारवे की सहायता से इसको अच्छे से कूटेंगी और इसको तब तक कूटती रहेंगी जब तक ये बिल्कुल बारीक होके एक ही में मिक्स ना हो जाए। और इसको देखिए कितने अच्छे से इस पर हल्का गुनगुना पानी डाल डाल के और इसको अच्छे से कूट रही हैं कि सारी खटाई एक में मिक्स हो जाए और बिल्कुल बारीक हो जाए। और इसको अच्छे से पहले कूट लेंगी खूब अच्छे से। और यहाँ पर देखिए इसको इतना कूट रही है कि इसको बिल्कुल एक में सारी खटाई आपको मिक्स होते हुए दिखाई दे रही है।
ये देखिए यहाँ पर नानी अपने हाथों से खटाई को अच्छे से मिक्स कर रही हैं, इसमें सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं और इसके अंदर खटाई को इतना कूटी है कि ये बिल्कुल बारीक हो गई है। और बारीक होने के बाद इसको हाथ से इसी में मसाला और खटाई को दोनों को एक ही में खूब अच्छे से सान लेंगी और इसको तब तक सानेंगी जब तक इसकी पिड़िया ना बनने लगे। तो इसको देखिए कितने अच्छे से सान के इसको मिक्स कर रही हैं और इसको मिक्स करने के बाद अब इसकी पिड़िया बना के रखेंगी और बहुत ही अच्छी पिड़िया बनती है और इसको हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं और खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए यहाँ पर इसको उठाकर और इसको हाथ से लेते हुए इसकी पिड़िया अच्छे से बांध के खूब चिकने से करके और इसको ऐसे रख देंगे और इसको सारी कटाई की पिड़िया इसी प्रकार बांध लेंगे। ये बांधने के बाद इसको देखिए यहाँ पर बन चुकी है। अब इसको हम रख लेंगे और कम से कम इसको ऐसे 8 से 10 दिन तक लगातार धूप में सुखाएंगे और इसको लगातार सुखाते हुए ये जब तक पिड़िया बिल्कुल टाइट ना हो जाए और इसमें कोई नमी ना रह जाए तब तक इसको 8 से 10 दिन तक अच्छे से धूप में सुखाएंगे। इसको धूप में रख के इतनी अच्छे से सुखा लेंगे कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, कोई नमी ना बचे। और ये देखिए यहाँ पर हम इतना इसको सुखाएं कि इसका देखिए कलर चेंज हो गया हो और ये बिल्कुल ब्लैक कलर में दिखने लगा है। तो इसको इतना हम सुखा लेंगे कि बिल्कुल ये ड्राई हो जाए, इसमें नमी रहेगी तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। और इसमें तब तक सुखाएंगे 8 से 10 दिन तक रख के कि इसमें कोई नमी ना बचे। और ये कितनी अच्छी खटाई बन के तैयार हुई है और इसको हम किसी भी बर्तन में कांच के रख के और या तो फिर किसी डब्बे में रख कर इसको हम सालों साल, साल दो साल चार साल रख के खा सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इसको आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप भी इसको बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। ये खटाई बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, ये नानी की बनी हाथों की खटाई। यदि आपको पसंद आई होगी तो बिल्कुल ट्राई करिएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और ये इसको हम कभी भी लेके खटाई भिगो के और इसका यूज़ कर सकते हैं या किसी चीज़ में भी इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और यदि आप को या नानी की बनी हाथों की खटाई पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि नानी के हाथों की बनाई खटाई आपको कैसी लगी। और थैंक यू फ्रेंड्स।